अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन काकरोच। काकरोच बेसिकली ओमनीवर है। काकरोच मतलब हर तरह का फूड खा लेता है, क्योंकि काकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आप देखेंगे अभी के स्ट्रक्चर्स ट्यूब की तरह के हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर टाइप है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। एक है फोर गट, नेक्स्ट इज मिड गट एंड लास्ट वन इज हाइंड गट। सबसे पहले फूड इंटर होती है, सबको पता है, माउथ में। ऐसे ही है, माउथ में अब मौजूद होता है स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मैंडिबल। मैंडिबल क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फूड को। माउथ की बात आ जाती है माउथ कैविटी, ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी में मौजूद होते हैं एंजाइम्स, सलेवा मौजूद होता है। बेसिकली क्या है, ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को। हाइड्रोलाइज स्टार्च माउथ में ही जो स्टार्च होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर वन। ठीक है, स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसके अलावा फूड च्यू होता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इनसाइड माउथ ड्यू टू मैंडिबल। आइए स्टूडेंट्स पार्ट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि काकरोच के डाइजेस्टिव में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आ जाता है फेरिंग्स। फूड माउथ से इंटर हुई फेरिंग्स में। नेक्स्ट टू फेरिंग्स यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को आगे लेता है, जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बाद फूड इंटर होती है एक और स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं क्रॉप। एक बात याद रखिएगा, क्रॉप में जो फूड आती है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, वो पार्शियली डाइजेस्ट होती है। पार्शियली डाइजेस्टेड, कंप्लीटली डाइजेस्ट अभी नहीं हुई। क्रॉप ऐसा स्ट्रक्चर है काकरोचेज में जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है फॉर सम टाइम। नेक्स्ट टू क्रॉप गिजेट। फूड माउथ से क्रॉप में जाती है, क्रॉप से गिजेट में। यहां तक सारा का सारा, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप और गिजेट तक सारा का सारा जो हमने पार्ट स्टडी किए वो आ जाते हैं फोर गट में। ये अब जो गिजेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके सराउंड में मसल्स हैं, लेकिन दरमियान में टीथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। क्या करते हैं, फूड को और ज्यादा स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो गिजेट का काम क्या है, फूड को मोर ग्राउंडेड फॉर्म में करना, ग्राइंड करना। सबसे पहले क्रॉप से फूड गिजेट में जाता है, गिजेट में क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। गिजेट में डाइजेस्ट होने के बाद फूड जाती है इनटू मिडगट। फिर से फूड मिडगट में जाती है। मिडगट के टॉप पे और गिजेट के एंड पे, यहाँ पे सिक्स इन नंबर, समटाइम एट भी होते हैं, फिंगर लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली वाइट कलर के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, और सम टाइम नज़र नहीं भी आते लेकिन मौजूद होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नोन एज हेपेटिक सीकम। ठीक है, फूड फेरिंग से एसोफेगस में, क्रॉप में थोड़ी देर स्टोर हुई, स्टोर होने के बाद फूड इंटर होती है गिजेट में। गिजेट में टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, फूड जो थी क्रॉप में पार्शली डाइजेस्ट थी, गिजेट में और ज्यादा डाइजेस्ट हुई। फिर क्या है, फिर आ जाता है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हेपेटिक सीका। हेपेटिक जो सीकम होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये जो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। इसी वजह से फूड जो है वो कम्प्लीटली मिड गट में जाके डाइजेस्ट हो जाती है, ड्यू टू द हेपेटिक सीका रिलीजिंग एंजाइम एक्टिविटी। मिड गट तक जाके फूड क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई। मिड गट को हम मीजेंटीरोन, मीजेंटीरोन स्टमक भी कहते हैं। मिड गट का दूसरा नाम है मीजेंटीरोन स्टमक। तो हेपेटिक सीकम के बाद मीजेंटीरोन स्टमक आती है। मीजेंटीरोन स्टमक के बाद
ठीक है, यहाँ पे कोर स्ट्रक्चर आता है जिसे हम, जो कि बहुत ही पतला सा है, जिसे हम कहते हैं ईलियम। नेक्स्ट टू ईलियम एक और स्ट्रक्चर आता है विच इज नोन एज कोलोन, और ये एंड हो जाता है रेक्टम पे। ईलियम, कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम जो है वो एक्सटीरियर से ओपन होती है बाय द हेल्प ऑफ एनस। तो ये जो ईलियम, कोलोन और रेक्टम है आईसीआर, ये सारे हाइंड गट में आते हैं। यहाँ तक तो समझ आई? तो ये सारा है काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट। मिड गट के अंदर होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड की एब्जॉर्प्शन होती है मिड गट में। यहाँ पे क्या होती है, फूड एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो आ जाता है हाइंड गट में। हाइंड गट में जो रीजन है रेक्टम, लास्ट वाला रीजन, वहाँ पे फूड जो है वो टेम्परेरी स्टोर रहती है। जो यहाँ पे फूड आता है वो बेसिकली इनडाइजेस्टेबल फूड होता है, ठीक है, और ये फिर फीकल मटेरियल है और ये बॉडी से एडजस्ट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ एनस। तो स्टार्ट काक्रोच का डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से होता है और एंडिंग रीजन उसका एनस है, ठीक है। और बात याद रखिएगा, ट्यूब्यूलर टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट वर्क करता है एज कंपेयर टू सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू द टॉपिक।